ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, कुछ साला कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को, माता पिता बंधु सगा की याद न आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
होता और ऋषि दयानंद ना आते तो क्या होता। अंतिम पंक्ति है, अंतिम भजन है और मैं बस अंतिम बार ही बोल रही हूँ, तो अपनी तालियों को खोल दीजिए और मेरे साथ में बोल दीजिए। तुम्हें नहीं आते हम तो अपनी लेखनी से लिखा कि वो चौथे आसमान पर और सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा अपनी मान्यता के अनुसार लिख रहा है कि वो चौथे आसमान पर और सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा अपने एक हाथ में सूरज ले ले, एक हाथ में चंद्रमा ले ले और दोनों का दीपक बना करके पूरी कायनात को छान मारे, तो महर्षि दयानंद जैसा व्यक्तित्व नजर आने वाला नहीं है। व्यक्तित्व नजर आने वाला नहीं है। तो आओ, हम ऋषि दयानंद ने जो समर्पण किया था, हम भी अपने आप को उन्हीं समर्पित भावों के साथ में, ईमानदारी और निष्ठा के साथ में एक योजना लेकर के आओ, हम ऋषि दयानंद का कार्य करें, वैदिक धर्म का डंका जन जन तक हम पहुंचाएं। कुछ विचार आप लोगों के मध्य में चार दिनों तक रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुना है।